हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना चैनल कल्याणी और अन्नपूर्णा किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चूरा और मटर से बहुत ही बढ़िया नाश्ता। तो चलिए, सबसे पहले चूरा को हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। और चूरा जब हल्का ब्राउन हो जाए और एक एक दाना फूल जाए तो समझ लीजिए चूरा एकदम भुन गया है। और इस तरह से चूरा भून लेंगे दोस्तों, और यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा दोस्तों। इस तरह से बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और सब पूछेंगे कैसे बनाया ये नाश्ता, पहली बार खाया है। तो इस तरह से देखिए, चूरा एकदम भुन गया है। अब प्लेट में निकाल लेते हैं चूरा को। और इसी तरह से अगर आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से भून लीजिए। और अब इस तरह से देखिए, एकदम क्रंची भुना है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं, उसमें थोड़ा सा जीरा और एक मीडियम साइज का प्याज और हरी मिर्च। अच्छे से भून लेंगे प्याज को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप यह बना पाएंगे। और देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से प्याज भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मटर लिया था 1 कटोरी, इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। और मटर को भी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और अगर आप चाहो तो मसाला भी ऐड कर सकते हो। मैंने मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मटर को अच्छे से भून लेंगे और 2 से 3 मिनट ढककर हम इसको पका लेंगे, ताकि मटर जो है अंदर और बाहर दोनों से पक जाए, कच्चा ना रहे। और ये लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसको ढक दिया है। अब 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब मटर एकदम पक चुका है, आप देख सकते हैं। और जो मटर का जो पानी होता है वो भी एकदम सूख चुका है, तेल नज़र आ रहा है। तो इस तरह से पका लेंगे मटर को। और इसमें हम ऐड करेंगे जो चूरा हमने भुना था, अब लीजिए ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें और इसको भून लेना है। और इस तरह से हमारा नाश्ता एकदम रेडी हो जाएगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये नाश्ता एकदम देसी है। गांव वगैरह में ऐसे ही लोग नाश्ता बनाकर खाते हैं, एकदम क्रंची और दांत से चबाने वाला, जिससे दांत को मेहनत करना पड़े और दांत भी मजबूत रहे। मॉर्निंग हो या इवनिंग, दोनों टाइम में दांत को मेहनत करने वाला ही नाश्ता खाते हैं गांव में अक्सर लोग। और दोस्तों, इस तरह से देखिए, नाश्ता एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपको अपना दांत मजबूत बनाना है तो इस तरह से बनाइए। अरे दोस्तों, डरिए नहीं, ये इतना भी टाइट नहीं है कि आप खा नहीं सकते। मटर एकदम सॉफ्ट है और जो चूरा है एकदम क्रंची है, तो ये कोई भी खा सकता है। बिना दांत वाला भी इसको चबा लेगा तो अच्छे से खा सकते हैं। और अब प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप नया वीडियो देख सकें। और आप चाय के साथ खाइए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। कमेंट जरूर करना दोस्तों।